तो पावर बीआई में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ट्री के बारे में। डिकम्पोजिशन ट्री, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लीजिएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको हम समझाते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए। उसके बाद एक जिसका जो नंबरिंग दिखाना है आपको, जो टोटलिंग वगैरह दिखाना है ना सर, जो जो वैल्यू दिखानी है, उस वैल्यू वाले फील्ड, इसमें क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी को रख दिया यहाँ पे, उठा रख दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 277, राइट। उसके बाद फिर मैंने इसमें नेम को रख दिया, उठा नेम को रखने के बाद यहाँ प्लस का साइन बन के आ रहा है आपको। अब मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा हाई वैल्यू लो वैल्यू क्या दिखाना है, नेम दिखाना है। तो मैंने नेम पे क्लिक किया तो देखिए नेम के हिसाब से जो उनके टोटल्स थे वो दिख गया, दिख गया सर। अब मैंने क्या किया कि एक एरिया उठा के मैंने इसके अंदर रख दिया। सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछनी है, इसने नेम उठाया लेकिन नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस में वैल्यू कौन सी उठाई? क्वांटिटी क्वांटिटी है ये? अच्छा, हाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी के, क्वांटिटी की वैल्यू उठाई, ठीक ठीक है। है। अब मैं इस पे क्लिक किया, क्लिक करते फिर पूछ रहा है, तो मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसने बताया कि एरिया सेंट्रल है, ठीक है। अब 288 है क्योंकि इसके अंदर एरिया एक ही है, इसलिए एक ही दिखाया। अब ईस्ट है इसमें, इसमें देखिए साउथ है, इसमें आपका अगेन साउथ है, दिख रहा है सर। अब मैं इस पे क्लिक किया, अब देखिए आप समझे डिकम्पोजिशन कैसे यूज होता है। एक ट्री मैप की तरह होता है कि फादर, फादर के सन, सन के सन, जिस तरह का होता है ट्री मैप, फैमिली ट्री टाइप का, उस तरह की चीजें आप यहाँ बना सकते हो। और इसमें कई सारे लेयर आप रख सकते हो। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्री लिया, ट्री को यहाँ पे मैंने रख दिया, राइट। मुझे क्वांटिटी के बेस पे चाहिए सारी सारी रिपोर्ट, तो आप क्वांटिटी के बेस, जोन, अच्छा क्वांटिटी की मतलब नहीं बेस जो फिगर है, हमें कैलकुलेशन लेना पड़ेगा। फिगर है, जो फिगर है, अमाउंट है, वो क्वांटिटी के बेस पे चाहिए, हाँ बात मतलब समझे वही कह रहा सर। हूँ ना कि बेस हमें न्यूमेरिकली रखना पड़ेगा, बेस हम हाँ मतलब ज्योग्राफिकल नहीं रख मतलब है कि सकते। आप अगर पिवट टेबल ही बनाते हो तो नेम आपने निकाल लिया, आपने रो निकाल लिया, कॉलम निकाल लिया, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ही रखोगे ना आप। हाँ तो हमने वो वैल्यू यहां पर रख दिया, ठीक है। ठीक अब है, उसके अंदर मैंने क्या किया, सिटी। अब इसमें हमने सिटी रख दिया। अब सिटी में प्लस का साइन बना दिख रहा है, तो यहाँ पे वो बताना होगा कि आपको हाई वैल्यू लो वैल्यू या सिटी शो करना है। तो सिटी शो करोगे उसके सम शो करेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब सिटी जो है, उस सिटी के अंदर जो मुझे रखना है वो रखना है एरिया, मान लीजिए कोर्स, हमने कोर्स इसके अंदर रख दिया। अब इस पे भी क्लिक किया और हमने बोला कोर्स, तो इसके कोर्स दिख गए। अच्छा ठीक है, अब कोर्स के जगह पे मान लीजिए कि मुझे मंथ रखना है, कि कौन सा मंथ में क्या कोर्स आया, तो हमने इसके ऊपर मंथ पुट कर दिया, प्लस आ गया और यहाँ पे मंथ दिखा, तो मंथ आ गया। मुझे मंथ के अंदर जो है मान लीजिए कुछ और रखना है, तो यहाँ पे वो चीजें रख सकते हैं। फिलहाल मैं तीन ही लेयर रखा हुआ, तो अब देखिए क्या होगा कि ए हमारा ओवरऑल चुप गया, इस पे क्लिक किया, ये मेरे नेम वाइज हो गया। फिर मैंने सिटी पे क्लिक किया, सिटी के कोर्स आ गए। फिर उसके अंदर किसी कोर्स पे मंथ रखा तो उसके मंथ आ गए, ठीक है, समझ गया। समझ रहे सर, क्लियर है। क्लियर अब यहां पे एनालाइज, अब यहां पे बात आती है इसमें क्या क्या है। एक होता है आपका एनालाइज, राइट। तो एनालाइज में आपको वैल्यू का क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, आप यहां रख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। या फिर मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्वांटिटी हटा दिया और मैंने इसके ऊपर मंथ रख दिया, ठीक है। और इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट मंथ का काउंट आ गया। तो ऐसा नहीं कि आपको वही फील्ड रखना है जिसमें वैल्यू है, मतलब कि आपको पीरियड में जैसे हम कैलकुलेटेड फील्ड रखते थे, वो कैलकुलेटेड फील्ड आपको यहां पर रखना है। ये रोटेट भी हो जाएगा, क्या बोल रहे, रोटेट ये रोटेट भी हो जाएगा। मतलब
नहीं रोटेट, इसमें रोटेट नहीं होता है ना सर, इसकी साइजिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, ये रोटेशन थोड़ी होगा कि स्वैप हो जाएगा, नहीं होगा सर रोटेट। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया आपको। तो ये आपका काउंट हो गया, ये आपका एक्सपैंड हो गया कि किसको एक्सपैंड करना हो वो आप एक्सपैंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट। जी अब यहाँ पे फॉर्मेट में तो इसके अंदर ये आपका पोजीशंस है, इसमें एनालिसिस है, एनालिसिस में यहाँ पे एनेबल और स्किप है तो एब्सोल्यूट टाइप का है, रिलेटिव कर देंगे तो रिलेटिव, तो ये ऊपर वाली चेंज हो रही है, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं है। कैटेगरी डेटा बार्स हो गए, ये डेटा बार ट्री ट्री जो है ब्लू है, ब्लू के जगह पे मुझे मान लीजिए रेड की चाहिए तो यहाँ पे रेड सही है। जो ट्री जिस जो हो हाइलाइटेड होगा ना, बताया कहाँ से कनेक्टेड है वो आपका जो है रेड होगा, बाकी सब तो ग्रे रहेगा आपका। और डिफॉल्ट कलर जो है मैंने कि डिस्प्ले जो है उसको मैंने ब्लैक कर दिया तो ब्लैक रहेगा, या ग्रे सही है हल्का कलर ताकि पता नहीं चलता है ना, तो सही रहता है। उसके बाद इसमें डेटा बार से जो डेटा बार से जो बार है उसकी कलर है, अपने हिसाब से जो कलर डालोगे। ठीक है, नेगेटिव के लिए जो चाहिए नेगेटिव के लिए आप वो आ जाए, उसकी ठीक है सर। बैकग्राउंड उसकी साइज बाकी फॉर्मेटी यहाँ पे, यहाँ पे आगे डेटा लेवल्स की फॉर्मेटी, टी हीडर्स की फॉर्मेटी, हीडर होती ऊपर जो बुलाया हुआ है क्या समझ, बाकी फॉर्मेटी तो सेम है, उसे खास भी फॉर्मेटिंग नहीं आप कुछ भी कर सकते। ठीक है सर। और जेनेटिक्स में कुछ आएगा नहीं तो ये चीजें सब भी नहीं आती है, तो ये आपको डिकम्पोजिशन थ्री है। अब यहाँ पे बात आती है डिकम्पोजिशन थ्री सब में नहीं होता है, तो इसपे क्लिक आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गई सर। गेट नोड व्यूअर पे क्लिक करके वहां से आप ला सकते। ठीक है, इस सब में नहीं होता है सर। एक बार दोबारा बताइए सर, एक्चुअली वॉइस आपका ब्रेक हो गया सब। मैं बोल रहा हूँ कि देख अब ठीक है वॉइस मेरी, अब नहीं, पीछे से भैं करके कुछ मतलब स्पीकर है रहे। तो जैसे कि मैं हाँ आपके बात कर रहा था कि सही है। हाँ डीकम्पोजिशन ट्री जो है तीन डॉट दिख रहा है ना सर, हाँ जैसे डीकम्पोजिशन ट्री हो सकता है आप में ना हो क्योंकि तो डिफॉल्ट अच्छा नहीं होता है जहां तक मुझे याद है, या पता नहीं नए वर्जन में आ गए होंगे, लेकिन शुरुआती वर्जन में तो नहीं था, मैंने नोट किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो गेट मोड विजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर में होते एप्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ऐप मिलेगा, आप यहाँ से अपने हिसाब से जो चाहिए वो सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री नहीं होंगे ना, ये तो पेड होंगे ना। नहीं कुछ फ्री है कुछ पेड, ठीक है पेड जो पैसा वाला होगा यहाँ पैसा दिखे, जैसे ऐप में कैसे होता है। ऐप तो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं ना, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसका पेमेंट किया जाता है ना। हाँ नहीं जैसे कि बिल्कुल कुछ ऐप तो पेमेंट पे, हाँ वही ऐप वाले सिस्टम है समझिए बंदा। ठीक है, जो क्यू और ए जो आपका दिख रहा है जो इस तरह के कमेंट की तरह होता है इसको क्वालिटी एनालिसिस कहा जाता है। ये प्री रिकॉर्ड माने कि प्री मॉडिफाइड आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके डेटा जो कनेक्टेड होगा जो सिलेक्ट सिलेक्टेड कनेक्टेड डेटा होगा उस पे वो कुछ सजेशंस आपको यहाँ पे दे देगा, सजेशंस में आपको जो चाहिए उस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे काउंट सिटीज है यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने काउंट सिटीज ले लिया तो सिटी की काउंट आपको दिखा दिया कि 11 सिटी है, राइट। तो 11 सिटी ऐसा नहीं है कि ये यूनिक काउंट दिया, यहाँ पे आपके डेटा में सिटी कई बार रिपीटेड है, आपके देखेंगे तो सिटी लिफ्टिंग जो है काउंट भी होगा ना, कई बार लिफ्टिंग काउंट रिपीटेड भी है, होगा। लेकिन इसने इसमें हेड काउंट दिया। अब मुझे मान लीजिए क्वांटिटी सिटी हमने देख लिया, तो आप जैसे ही इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डेटा दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं कि मुझे मान लीजिए डेटा शॉर्टेज बाय टोटल चाहिए, तो हमने क्लिक कर लिया तो डेटा शॉर्टेज बाय टोटल आपके सामने दिख गया।
तो एक बारी में एक ही दिखाएगा, ये दो तीन नहीं दिखा सकता एक साथ? भी दिखाएगा, और यहाँ से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो दिखाएगा, हमने जो चीज सेलेक्ट कर रहे हैं वो आ रहा है। जैसे मान लीजिए ना, मैंने यहाँ पे सो शो ऑल पे गया और मैंने मिल दिया एवरेज क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए ऊपर में, और यहाँ पे बाई बाई दिख रहा है, बाई कौन सा? तो मैंने सिटी बोला कि बाई डेट, तो यहाँ पे डेट बाई पूरा ग्राफ आ गया, लाइन ग्राफ। बाय सिटी करेंगे तो बाई सिटी कीजिए तो सिटी बाई जा जाएगा, बाई सिटी। अच्छा, मतलब एक तरह से वो बाई कोर्स, ठीक है। और इसको आप बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हो, तो यूजर के पास अपने हिसाब से ये रहेगा, वो क्लिक करके वो देख सकता है अपने हिसाब से, राइट सर। तो ये आपकी क्वालिटी एंड एनालिसिस था। उसके बाद यहां पे आता है स्मार्ट नेटिव, ये चीजें भी अभी यूज कर सकते हैं।